कोशिश यही है कि ये एग्जाम बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है और बहुत लंबी भी है, लगभग 2 साल लग जाते हैं। तो जब इतना ज़्यादा हम टाइम किसी भी चीज़ को डिवोट करते हैं तो सारे बच्चों को यही दिमाग में याद रखना है कि परिश्रम तो बहुत कठोर करना ही है, पर साथ में बहुत धैर्य रखना है, बहुत पेशेंस रखना है और अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। एकदम भी हताशा नहीं होने देनी और एकदम भी ये नहीं सोचना कि नहीं अब हमसे नहीं हो पाएगा, वो अपने आप को मोटिवेट पूरे 2 साल के लिए करते रहना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत सारे ग्रामीण युवा है जिनमें प्रतिभा की कमी नहीं, लेकिन कई तरह का गाइडेंस ऐसा होता है जो इन सर्विसेज में जरूरी है, उसकी कमी से वो पीछे रह जाते हैं। ऐसे युवाओं को क्या प्रयास करने चाहिए? ऐसे युवाओं को एकदम भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो किसी से भी कम है, और इंटरनेट की वजह से अब नियरली जितनी भी बढ़िया से बढ़िया किताबें हैं, बढ़िया से बढ़िया फैकल्टी हैं, सब नेट पे इजीली अवेलेबल है कि वो आराम से ये सारी चीज़ एक्सेस कर सकते हैं। तो वो इंटरनेट के मदद से जो भी उनको लगता है कि उन्हें अच्छी किताबें नहीं मिल पाती या अच्छे टीचर नहीं मिल पाते, तो ये सब कमियां पूरी हो रही हैं और भारत सरकार जुटी हुई है कि इंटरनेट भी वो बिल्कुल फास्ट स्पीड पे प्रोवाइड करे हर एक गाँव में। भारत सरकार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है, लड़की यही संदेश है कि जो भी ये सोचा जाता है कि लड़कियां कम है लड़कों से, ये कोई भी लड़की एकदम भी अपने दिमाग में ना रखे, और अगर हम मेहनत करें तो हम लड़कों को बहुत नीचे छोड़ सकते हैं। और मुझे बेहद खुशी है कि मैं एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण पेश कर पाई कि अगर मेहनत करें तो सबको वाकई दिखा सकते हैं कि हम किसी से